Audio Jungle. Audio Jungle. यशोधर नगर पुलिस थाना अंतर्गत मोहम्मद रफीक चौक के पास शुक्रवार की रात बदमाशों ने व्हाट्सएप विवाद को लेकर किया फायरिंग। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने एक घंटे के अंदर 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल थे। ऑटोमोटिव चौक के पास से मोहम्मद रफीक चौक के लिए निकली थी बारात। बारात में शहबाज नामक युवक भी शामिल था, जिसमें 2 दिन पहले मोमिनपुरा निवासी युवक के व्हाट्सएप विवाद को लेकर दोनों युवकों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद ऑटोमोटिव चौक से मोहम्मद रफीक चौक तक जाने वाली बारात में शहबाज नामक युवक को ढूंढते हुए बारात में पहुंच गया। बदमाशों को देखते ही शहबाज बारात से भाग गया। शहबाज नहीं मिलने पर बदमाशों ने दहशत निर्माण करने के लिए हवा में राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद बारात में अफरा तफरी मच गई। दूल्हे के भाई ने जब गोली चलाने का कारण पूछा तो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 नाबालिग आरोपी भी शामिल थे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। कल यशोधरा पुलिस स्टेशन में अपने सर एक खाना खजाना जो ढाबा है उसके सामने से बारात जा रही थी, तो उसमें साथ में कुछ लोगों ने सर मारपीट की गई थी और सर तो फायरिंग भी होने की जानकारी है सर, और उसमें सर यशोधरा पुलिस स्टेशन के पदक ने 6 आरोपी अटक किए, 5 आरोपी जानकारी क्या बताना चाहते हैं सर? ये कल 10:15 की घटना है। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खाना खजाना जो ढाबा है उसके सामने से ये बारात जा रही थी। बारात जो है मोहम्मद रफी चौक पाचपावली एरिया में जाने वाली थी। वहाँ से जब बारात जब गुजर रही थी तब उस समय पे कुछ 6 आरोपी वहाँ पर आए और किसी पुराने उनका झगड़ा था। शहबाज नाम का एक लड़का है, उसके साथ में उनका व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर से कुछ वाद था, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पर आए और शहबाज को ढूंढ रहे थे और वहीं पर इनकी हाथापाई शुरू हो गई जो बाराती थे दूसरे उनके साथ। और इसी दौरान जो ये 6 आरोपी आए थे इन्होंने हवा में 2 राउंड फायर किए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इमिडिएटली 3 पथक तैयार किए और सभी आरोपियों की शोध के लिए और हथियार की शोध के लिए उनको रवाना किया गया और 4 घंटे के अंदर सभी 6 आरोपी और एक फायर आर्म जिससे कि 2 राउंड फायर किए गए थे, फायर आर्म के 2 खाली केस और 1 चाकू और 2 मोटरसाइकिल जो गुने में यूज़ की गई थी, ये सभी पुलिस ने बरामद किया है। अभी उसका आगे इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन चालू है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर इस पे जो फिजाती जिनके ऊपर जो हमला हुआ था सर, ये बताया जा रहा है कि जो दूल्हा है जो उसका भाई है, सर सही है इसमें बात याद? क्योंकि बारात में सभी उनके रिश्तेदार थे, तो जिसको एक विक्टिम है जिनको पैर पे चोट लगी है चाकू से वार हुआ है उनकी जांघ पे, वो दूल्हे के कज़न ब्रदर हैं।